हेलो कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की पोएम कीपिंग क्वाइट को पढ़ेंगे। ये हमें टाइटल दिखाई दे रहा है कीपिंग क्वाइट, ये लिखी है पाब्लो नेरुदा ने। तो इसका टाइटल पीछे है, तो टेक्स्ट धरती, तो मैंने इधर से ही लिया है ये। तो पहले हम ये समझेंगे कि इस पोएम में पोइट ने क्या मैसेज दिया है। पोइम पढ़ाने से पहले हम मैसेज आपको बताना चाहते हैं क्या मैसेज दिया है। तो पाब्लो नेरुदा जो हैं, पहले तो इस टाइटल का मतलब समझें, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब जैसा कि हम जानते हैं शांत रहना होता है। अब शांत रहने की बात क्यों करते हैं पोइट, तो मैं आपको पोइम पढ़ाने से पहले इसका थोड़ा मैसेज बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या मैसेज दिया है, तब हम पोइम को पढ़ेंगे। तो पाब्लो नेरुदा ने ह्यूमन बीइंग से थोड़ी देर के लिए सांसारिक गतिविधि वर्ल्डली एक्टिविटीज़ को रोक देने के लिए कहा है। जब हम अपने गतिविधि को जब हम अपनी गतिविधि को रोक देंगे, तभी हम अपने आप को और दूसरे को समझ पाएंगे। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, किसी के पास किसी को समझने का वक्त नहीं है। तो शांत रहेंगे, अपने कामों को रोक देंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के लिए वक्त निकाल पाएंगे। देखो आज के समय में क्या है, हम आपकी आज की सिचुएशन में ही चल के बताते हैं आपको। आजकल क्या है कि हमारे पास क्या है, फ़ोन है, लेकिन फ़ोन कॉल करके भी किसी की समस्या को सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। तो यहाँ पाब्लो नेरुदा ये कहना चाहती हैं कि हम एक थोड़ी देर के लिए शांत रहें और सारे अपने कामों को बंद कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा एक दूसरे को समझने का और अपने आप को समझने का वक्त मिलेगा। तो ये पोएम जो है कीपिंग क्वाइट, इसकी जो मेन थीम है वो है सांसारिक गतिविधि को रोककर आत्मचिंतन करें। ये मेन थीम है इसकी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इसका जो मेन थीम है इसकी। तो देखेंगे, पढ़ेंगे इस पोएम को, चलते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे कितना, 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और वी मीन्स हम, वी ऑल मीन्स सब, कीप स्टिल और हम शांत रहेंगे। हम 12 तक गिनेंगे और शांत रहेंगे। अब जो ये 12 शब्द है, 12 ये दिखाई दे रहा है हमें 12, तो यहाँ 12 का क्या सेंस है। वैसे तो देखो यहाँ क्लियर तो नहीं किया है पोइट ने कि 12 का यहाँ सेंस क्या है। अगर हम देखें तो 12 एक वन ईयर में जो मंथ होते हैं, मंथ्स होते हैं, वो भी 12 होते हैं, तो वन ईयर का सेंस। और एक दिन में जो डे घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। और जो घड़ी का जो सर्कल चलता है 12 to 12, तो वो भी इसका सिंबल हो सकता है। तो नाउ वी विल, ये समझ में आ गया 12। अब सेकंड हम इस स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। देखो वी विल और वी विल, यहाँ पर एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ सेम कॉन्सोनेंट वर्ड्स, सेम साउंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स से जब कोई लगातार दो वर्ड या तीन वर्ड स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब थर्ड की बात करें तो काउंट टू 12 और कीप स्टिल, इन दोनों लाइनों में क्या है, एंटीथेसिस भी है। क्या है, एंटीथेसिस है। और यहाँ एंटीथेसिस क्यों है, एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोधाभास होना, या कह लीजिए ऑक्सीमोरन। क्योंकि एक तरफ तो पोइट काउंट टू 12 12 तक गिनने की बात करता है, और दूसरी तरफ ऑल कीप स्टिल और शांत रहने की बात करता है। तो दोनों दो विरोधी बातें हैं, शांत भी रहेंगे और 12 तक गिनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यह एंटीथेसिस भी है। नेक्स्ट, अगले स्टेंजा पर हम चलते हैं। तो फॉर बंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स
सो मच. फॉर वंस, एक बार. ऑन द फेस मीन्स चेहरे पर, चेहरे से मतलब है सतह पर, क्योंकि अर्थ क्या, अर्थ का फेस से सेंस होता है सरफेस, ठीक है, सतह, पृथ्वी की सतह पर. लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा हम नहीं बोलें, ठीक है. पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह का मतलब हम सब पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हम कोई भी भाषा को न बोलें, मतलब एकदम मौन हो जाएं. लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, और एक सेकेंड के लिए हम स्टॉप हो जाएं. एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपनी बाहों को बहुत अधिक न चलाएं. अपनी बाहों को बहुत अधिक न चलाने से सेंस है हम कोई भी कार्य न करें, क्योंकि कार्य करते हैं तभी हमारी बाहें, बाहें का मतलब बॉडी पार्ट्स चलते हैं हमारे, और जब कोई काम नहीं करेंगे तभी क्या है, बाहें नहीं चलेंगी हमारी. तो यहाँ पर क्या है, पोइट बात कर रहे हैं कि हम कोई भी काम न करें. जब आपने वैसे भी देखा होगा, जब हम बिल्कुल शांत अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के, हर व्यक्ति अपनी भागम भाग जिंदगी में लगा हुआ है, सुबह से उठता है और फिर ऑफिस जाता है, या कोई भी मजदूर अपना, कोई भी व्यक्ति अपनी, फिर शाम को जब वो लेटता है तो थोड़ी देर के लिए जब वो आत्मचिंतन करता है, अक्सर हम चारपाई पे बेड पर कहीं लेट जाते हैं तब हम थोड़ा सा आत्मचिंतन करते हैं, तब हम सब कुछ समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए. तो ये देखो, यहाँ पर जो हमारी पोएटिक डिवाइस है, लेटस, दोनों लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हैं, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो एनाफोरा है. एनाफोरा का मतलब होता है जब दोनों पंक्तियाँ सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट चलेंगे हम. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन. अब पहले दो लाइन को समझेंगे. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूमेंट, ये कितना एक्सोटिक मूमेंट होगा, क्षण होगा. एक्सोटिक का मतलब अनोखा क्षण होगा, विदाउट रस, हम बिना दौड़े और बिना इंजन, जब इंजन से मतलब है मशीनों का चलना, विदाउट इंजन से मतलब है जब कोई मशीन नहीं चल रही होगी, कोई काम नहीं हो रहा होगा और हम लोग नहीं दौड़ रहे होंगे, दौड़ने का मतलब अपने कार में नहीं लगे होंगे और सब एक जैसे होंगे, शांत होंगे, तो वो क्षण कितना एक्सोटिक होगा, कितना अनोखा विलक्षण क्षण होगा, ठीक है. ये यहाँ हो गई दो लाइन क्लियर. तो नेक्स्ट टू लाइन को देखेंगे इनको. वी वुड ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम क्या होंगे, ऑल सभी, वी विल, वी और ऑल, हम सब, वुड बी मीन्स होंगे, टूगेदर साथ, हम सब एक साथ होंगे. इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक सडन मीन्स अचानक, स्ट्रेंज मीन्स एक आश्चर्य, एक विलक्षण, एक अचानक विलक्षण क्षण में हम सब क्या होंगे, एक साथ होंगे. और एक साथ का मतलब है जैसे अपोइट का एक साथ से सेंस है, जैसे वैसे तो कोई अपना किसान अपना हल चला रहा है, दुकानदार अपनी दुकान कर रहा है, अकाउंटेंट अपना अकाउंट संभाल रहा है, हाउसवाइफ अपना काम कर रही है, इस तरह से सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो सब डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं इस वर्ल्ड में. जब एक क्षण के लिए सब शांत हो जाएंगे तो सभी क्या लगेंगे, टुगेदर, एक साथ लगेंगे, और वो क्षण कितना एक्सोटिक होगा, कितना विलक्षण क्षण होगा, ठीक है. तो चलते हैं देखो आगे. नेक्स्ट, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड टुक एट हिज हार्ट हैंड्स. तो पहले इन टू लाइन को समझेंगे. यहाँ से फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुँचाना, चोट पहुँचाना. व्हेल्स एक मछली का नाम होता है, व्हेल मछली होती है, बड़ी मछली होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिशरमैन का काम क्या होता है, मछलियाँ पकड़ना. तो जब हम एक क्षण के लिए शांत हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, तो जो मछुआरे जो कोल्ड समुद्र, ठंडे समुद्र में जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो भी
मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मछलियों को नहीं पकड़ पाएंगे, हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मछलियां पकड़ते हैं, पकड़ करके फिर उनको क्या करते हैं, वो काट करके उनकी क्या बनाते हैं, मीट बनाते हैं। तो वहाँ पर बात है कि वो व्हेल्स को हार्म नहीं कर पाएगा। द मैन गैदरिंग साल्ट, आदमी जो गैदरिंग करता है, इकट्ठा करता है साल्ट, नमक, वुड लुक देख पाएगा, हिज हर्ट्स हर्ट्स हैंड्स, अपने घायल हाथों को वो देख पाएगा। समुद्र में देखा होगा जो नमक जो बनता है वो समुद्री पानी से बनता है, तो जब नमक का काम करेंगे, खारा काम करेंगे, तो क्या होगा, हाथ घायल हो जाते हैं। तो अब पोएट यहाँ कह रहे हैं, तो मैन आदमी जो क्या करता है, करते हैं समुद्र में जो साल्ट को इकट्ठा करते हैं, समुद्र नहीं, साल्ट को जो गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो भी अपने घायल हाथों को देख पाएगा, उसके पास भी वक्त होगा अपने घायल हाथों को देखने का। वैसे देखा होगा आपने, किसी के पास अपनी वक्त नहीं है, सब अपने काम में सुबह से लेकर शाम तक दौड़े हुए हैं। गरीब किसान को तो, गरीब किसान है, गरीब मजदूर है बेचारा, सुबह से शाम तक वो अपनी रोजी कमाने के लिए अपने दुख को, अपने घावों को भी नहीं देख पाता है। कैसे कपड़े पहने हुए हैं, गंदे हैं कि अच्छे हैं, उसको वो भी देखने का वक्त नहीं है। तो वहीं फिशर इसकी बात हो रही है, साल्ट इकट्ठा करने वाले आदमी की बात हो रही है, कि उसके पास इतने हम दौड़ रहे हैं, इस तरह दौड़ रहे हैं, इतनी जल्दी में हैं अपने अपने काम में, कि एक आदमी को जो उसके घायल हाथ हैं, अपने घायल हाथों को भी देखने का वक्त नहीं है। Those who prepare green bars, bars with gas, bars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shades doing nothing. Those वो who जो prepare means तैयार करते हैं, green bars, जो green bars को तैयार करते हैं, green bars से मतलब है हरियाली युद्ध, हरियाली युद्ध, तो हरियाली मतलब जो ग्रीनरी है, तो ग्रीन बार से सेंस है कि पेड़ पौधों को काटना, प्रकृति को नष्ट करना। दोज मीन्स वो हु जो प्रिपेयर करते हैं, जो ग्रीन बार्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो हरियाली को नष्ट करते हैं, प्रकृति को नष्ट करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं। बार्स विद गैस, और बार्स विद गैस से सेंस है युद्ध के लिए जो रासायनिक गैसों से बम बनाते हैं, रासायनिक गैसें जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें जो बम बनती हैं वो किसकी बनती हैं, गैसेस की बनती हैं। तो युद्ध के लिए रासायनिक बमों का प्रयोग करना, बार्स विद फायर, और जो युद्धों में अग्नि अस्त्रों का जो प्रयोग करते हैं, जो अस्त्र क्या करते हैं, जब उन अस्त्र शस्त्रों को फेंका जाता है या शूट किया जाता है उनसे, तो वो अग्नि का काम करते हैं, वहाँ आग लग जाती है। विक्ट्री मीन्स उन्हें जीत तो मिलती है, विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई भी फिर सर्वाइवर्स नहीं बचता, कोई भी जीवित नहीं रहता। तो ऐसी विक्ट्री से भी क्या मतलब है, मतलब जब ऐसे युद्ध होते हैं तो एक व्यक्ति को, एक देश को जीत तो मिलती है, लेकिन फिर ऐसी जीत का क्या मतलब जब कोई वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए। मतलब मैं देखो, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर जब परमाणु बम डाले थे, वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर उसके बाद भी जब बच्चे अगली पीढ़ी में पैदा होते थे तो वहाँ भी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाले थे, तो वहाँ उसके बाद भी जो बच्चे बॉर्न होते थे, जन्म लेते थे, तो वो अपंग बच्चे पैदा होते थे। तो वही है यहाँ पोइट का सेंस कि विक्ट्री तो मिलती है, लेकिन ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब कि मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ सर्वाइव ना कर पाए, सर्वाइवर्स। अब अभी देखिए आप, चीन और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, सपोज दैट मान के चलिए इन सभी रासायनिक हथियारों का प्रयोग करके एक देश को बिल्कुल परास्त कर दे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, तो ऐसी जीत से भी क्या फ़ायदा जब क्या है कि कोई भी सर्वाइव ना कर पाए, कोई भी जीवित ना बचे।
देखेंगे नेक्स्ट लाइन को, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हमें क्या करेंगे नए कपड़े नहीं साफ कपड़े पहन पाएंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम क्या कर पाएंगे वॉक टहल पाएंगे अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ टहल पाएंगे, मतलब वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हम साफ कपड़े पहन पाएंगे जब हम, मतलब अपने आप को इनएक्टिव कर लेंगे, मतलब कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तब हमारे पास वक्त होगा कि हम साफ सुथरे कपड़े पहन पाएंगे और अपने जो सगे संबंधी भाई बहन हैं उनके साथ टहल पाएंगे। वैसे तो हमारे पास वक्त ही नहीं है एक दूसरे के लिए, बिल्कुल वक्त नहीं है। यहाँ तक आप देखिए कि एक किसान घर से या एक मजदूर या एक लेबर वाला दुकान वाला सुबह से निकल जाता है, उसको बेचारे को ये तक पता नहीं रहता है कि वह कैसे कपड़े पहना है, तो हम क्या कर पाएंगे नए कपड़े पहन पाएंगे, मतलब क्लीन क्लॉथ्स पहन पाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे और अच्छा सोच पाएंगे। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम अपने भाईचारे के भाव से एक दूसरे के साथ टहल पाएंगे इन शेड छाया में, और डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे केवल क्या करेंगे आत्मचिंतन करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे आगे। हाँ, वॉट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, यहाँ से यहाँ तक का अर्थ निकलेगा पहले। वॉट मीन्स जो, आई वांट मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। विद टोटल इनएक्टिविटी, विद टोटल संपूर्ण निष्क्रियता, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ उसमें कन्फ्यूज्ड मत होइएगा, मतलब जो मैं कह रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ उसमें कन्फ्यूज मत होइए का मतलब है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता। अगर आप टोटल इनएक्टिव हो जाएंगे तो सब कुछ इस पृथ्वी पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लाइफ ही नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं होगा। मतलब थोड़ा वक्त निकालिए अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, समझने के लिए, ठीक है। तो टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है पोइट यहाँ पर। तो लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट टू नहीं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो लाइफ जीवन इज है, वॉट जो जो कुछ इट इज अबाउट, जीवन के बारे में जो कुछ है वो जीवन है। मतलब जीवन तभी जीवन है जब आप एक्टिव रहेंगे। टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है पोइट यहाँ पर, टोटल इनएक्टिव हो जाएंगे आप तो कुछ जीवन में बचेगा ही नहीं, कमाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो तब तक लाइफ कैसे चलेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक, ट्रक का मतलब है यहाँ जुड़ने से, एसोसिएट से विद डेथ। तो आई वॉन्ट नो ट्रक, मैं मृत्यु से आपको एसोसिएट नहीं करना चाहता। यदि आप टोटल इनएक्टिविटी हो जाएगी तो भाई कुछ नहीं करोगे तो डेथ, मृत्यु मतलब सेंस यही तो हो गया, तो मर जाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट चलेंगे आगे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। If we were not so single-minded, यदि हम single-minded नहीं होते, single-minded का मतलब एकनिष्ठ नहीं होते, एकाग्रचित नहीं होते, तो नहीं होंगे, तो about keeping means रखना our lives moving, तो हम अपनी life को move कैसे कर पाएंगे, मतलब आगे life को चला कैसे पाएंगे, लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुड डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं करेंगे तो परहैप्स शायद ए ह्यूज साइलेंस, एक विशाल शांति, एक बड़ी शांति इस पृथ्वी पर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ भी नहीं करोगे, इनएक्टिव हो जाओगे तो क्या होगा, एकाग्रचित नहीं होगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाओगे, तो क्या होगा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस,
शायद एक ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी शांति माइट इंटरप्ट मीस बाधित करेगी दिस सैडनेस, इस दुख को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। नेवर कभी भी अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हैं हम अवर सेल्फ मीस अपने आप को, और हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। एंड ऑफ थ्रीटेंडिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हमेशा हमें थ्रीटेंडिंग लगा रहता है, भय लगा रहता है, डर लगा रहता है अवर सेल्फ अपने आप को विद डेथ, मृत्यु का, मृत्यु से हमें हमेशा भय लगा रहता है। इस तरह से ये हमारी पोइम कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में आपका इसका सेंट्रल आइडिया और इसके क्वेश्चंस डालूँगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।